मुझे याद है जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या चला गया। लोगों ने कहा रे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा रे क्यों, कहा कि अयोध्या जाने से आपको मालूम है तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी आस्था के साथ और जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर दूं क्या, ये वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता है। हमने कहा अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारी करो, और बहनों और भाइयों अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हो जाता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती क्या? बहनों और भाइयों कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था, राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।